15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा। आम इंसान भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेता मंचों से ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करके गर्व महसूस करते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बड़े बड़े नेता भी ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाले को भी शर्म आ जाए। लेकिन नेताओं को तो अपनी राजनीति चमकानी है, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं और करते भी हैं। अब इन्हीं को देख लीजिए। यह है बीजेपी की अमेठी से उम्मीदवार स्मृति ईरानी, जो इन दिनों सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के पीछे पड़ी हुई है। वो भी इस वजह से क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। और तो और आलम यह हो गया है कि मंच से ही स्मृति ईरानी राहुल गांधी को निकम्मा बताने लगी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिख कर घोषित कर दिया, वायनाड मेरा परिवार है। राहुल गांधी से पूछा गया कि आप वायनाड से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। बस इसी बात से खफा होकर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि 15 साल हमने निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जो जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर सवाल उठाता है। चलिए अब आपको सुनाते हैं स्मृति ईरानी का पूरा बयान, जो सोशल मीडिया पर न सिर्फ वायरल हो रहा है बल्कि इस बयान को लेकर हर तरफ चर्चा भी हो रही है। क्या भला है वहाँ पर जो यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं? आप सबने देखा होगा, जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिख कर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहाँ तक तो ठीक था, फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से कहे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आप सबका भी तो समर्थन रहा था, आपने भी तो वफादारी दिखाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल है कि आखिर इस बार कांग्रेस की ओर से अमेठी में किसे उतारा जाएगा। अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन कयास है कि इस बार पार्टी यहां से प्रियंका गांधी पर दाव अजमा सकती है। खैर ये अभी साफ नहीं है कि आखिर अमेठी से चुनावी मैदान में कौन उतरेगा, और इसी का इंतजार हर किसी को है। और इसी के बहाने अब स्मृति ईरानी कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी पर बरस रही है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।